नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि गाड़ी का जो आगे वाले व्हील हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं बजाय पीछे वाले व्हील के। तो आपने कभी महसूस भी किया होगा, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस टाइम आप थोड़ी देर के लिए कहीं रुकते हैं, जैसे एयर प्रेशर चेक कराना है टायर का या चाय वगैरह पीनी है, तो उस टाइम आपने कभी महसूस किया होगा या टायर को टच करके आपने देखा होगा कि आगे वाला जो व्हील है वो ज़्यादा गर्म होता है और पीछे वाले का जो व्हील कम गर्म होता है। तो इसका क्या रीज़न है? वैसे ये नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल सी बात है व्हील का गर्म होना। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से आगे वाले व्हील ज़्यादा गर्म होते हैं और पीछे वाले कम गर्म होते हैं। कई बार ये व्हील ज़्यादा ओवरहीट हो जाते हैं। जब ओवरहीट इतने हो जाते हैं कि हमारी जो ब्रेकिंग पावर है वो भी कम हो जाती है, या हमारी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर जल्दी जल्दी होने लगते हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है उसके बारे में भी जानेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कार के आगे वाले व्हील ज़्यादा गर्म होते हैं, पीछे वाले कम गर्म होते हैं। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं कि नॉर्मली होता क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम। जब गाड़ी चलती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेकिंग फोर्स आगे वाले व्हील्स पर ज़्यादा अप्लाई होती है पीछे के बजाय, क्योंकि आगे हमारा जो ज़्यादातर गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम भी है, तो उससे जो जान होती है आगे वाले टायर में ज़्यादा होती है, यानी जो पावर होती है। और जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अपना काम करता है और जो पावर है वो अपना काम करती है, तो उन दोनों के बीच में एक फ्रैक्शन पैदा होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी हमारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से वो हीट प्रोड्यूस होती है ब्रेक अप्लाई करने पर। उसी तरह से जो पीछे वाला जो व्हील है उसमें पावर नहीं होती है, वो उन्हें उसे तो फ्री घूमना है, आगे वाले टायर के साथ साथ घूमना है, तो उसमें पावर नहीं होती है, और पावर ना होने के वजह से ब्रेकिंग जो फोर्स है वो कम अप्लाई होती है। हाँ, कई गाड़ियाँ जो रियर व्हील ड्राइव हैं उनमें पावर होती है, तो उसी हिसाब से उनमें भी फोर्स लगती है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है, पीछे वाले जो व्हील में ड्रम ब्रेक यूज होते हैं, आगे वाले में डिस्क ब्रेक यूज होते हैं। आगे कैलिपर्स लगे होते हैं, पिस्टन होता है, और जो हमारा ब्रेक पैड होते हैं, और ब्रेक पैड जो डिस्क और रोटर है उससे लगभग चिपक कर चलता है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो वो एकदम से चिपक जाता है और गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, उस रोकने की कोशिश में व्हील गर्म होता है ज़्यादा। वहीं पीछे वाला जो व्हील है उसमें ब्रेक शू होते हैं और पिस्टन होता है, तो पिस्टन जैसे ही खुलता है तो ब्रेक शू बाहर होता है और वो ड्रम से टच करता है, उसी हिसाब से व्हील रुकता है। लेकिन उसमें गैप ज़्यादा होता है, वो उसी टाइम अप्लाई होता है जिस टाइम हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो उस हिसाब से वो कम गर्म होता है। ये तो हो गया ब्रेकिंग की वजह से टायर गर्म होना। दूसरा हो गया व्हील बैरिंग की वजह से। तो व्हील बैरिंग, चारों व्हील में बैरिंग होते हैं, लेकिन आगे वाला जो वियरिंग है वो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, पावर भी है, और जो हमारा इंजन से पावर आती है गियर बक्से को, गियर बक्से से ड्राइव शाफ्ट को, ड्राइव शाफ्ट से व्हील को मिलती है, और व्हील में होता है वियरिंग। वियरिंग में भी फ्रिक्शन होता है, जैसे आपने कभी मोटर का चलते हुए थोड़ा सा गर्म होता है, पंखा चलता है तो पंखा में भी वियरिंग होता है और उसमें फ्रिक्शन होता है, तो उसमें भी नॉर्मल हीट होती है। उसी तरह से नॉर्मल जो हीट है वो हमारे व्हील में भी होती है वियरिंग के फ्रिक्शन की वजह से। अब ये तो नॉर्मल चीज हो गई। दूसरा नॉर्मल में ये भी आता है कि भाई जैसे हमारा टायर है,
टायर और रोड के बीच में भी फ्रैक्शन होता है, उस फ्रैक्शन से भी हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उससे भी हमारा टायर गर्म होता है, या हमारे टायर में प्रेशर कम होता है तो कॉन्टैक्ट एरिया और बढ़ जाता है, जिससे और ज़्यादा फ्रैक्शन होता है तो फिर और जल्दी गर्म होता है, और उसी वजह से कई बार हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट भी आउट होता है, हमारे पहिए ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, तब भी हमारे टायर में फ्रैक्शन ज़्यादा होता है और उस फ्रैक्शन की वजह से भी टायर गर्म हो सकता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल। अब बात करते हैं एबनॉर्मल यानी ओवर हीटिंग की, कि ओवर हीट किस वजह से हो सकता है। तो पहला तो कारण वही है ब्रेकिंग का, ब्रेकिंग में कोई भी पार्ट्स आपका ख़राब होगा, जैसे ब्रेक में आपका आगे वाला डिस्क है और पैड है, डिस्क या पैड उनमें कोई खराबी है, अनइवन घिस गया है या वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तब वो जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तब हमारा व्हील गर्म होगा, या हमारे जो कैलिपर्स हैं वो कई बार जाम हो जाते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक तो लग जाते हैं लेकिन उसके बाद ब्रेक रिलीज होने के बाद वो पीछे नहीं हटता है, कैलिपर जाम हो जाता है, तो उस वजह से वो चिपका रहता है और उस वजह से हमारा जो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और व्हील गर्म हो जाता है। उसी तरह से ब्रेकिंग में पिस्टन होता है, पिस्टन कई बार जाम हो जाता है, पिस्टन अपना ब्रेक अप्लाई किया, पिस्टन खुला और फिर वापस नहीं आता है, जिससे जो हमारा पैड है वो लगा रहता है। उसी तरह से पीछे भी इसी तरह से होता है, पिस्टन होता है और ब्रेक शू होता है, तो वो पिस्टन पीछे धकेलता है ब्रेक शू को और ब्रेक शू पीछे होते ही ड्रम से टच होता है, हमारा पीछे वाला ब्रेक लगता है। कई बार हैंड ब्रेक भी हमारे ब्रेक शू से कनेक्ट होते हैं, तो कई बार ब्रेक जो हैंड ब्रेक है उसमें वो भी जाम हो जाते हैं, उसका वायर जाम हो सकता है या जो हैंड ब्रेक है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, उस वजह से भी जो ब्रेक शू हैं वो जाम हो जाते हैं, उस तरह पीछे वाले जो व्हील है वो हीट हो सकते हैं। दूसरा है बेयरिंग। जब बेयरिंग में साउंड हो जाता है या बेयरिंग जाम होने लगता है तो उसमें ज़्यादा फ्रैक्शन होने लगता है, या व्हील बेयरिंग वो वियर आउट हो जाता है, घिस जाता है, जिससे आवाज़ भी आती है और उसमें फ्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, जिससे और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा व्हील गर्म हो जाता है, तो ये ओवर हीटिंग के कारण हो गए। उसी तरह से हमारा अलाइनमेंट ज़्यादा आउट है तब ओवर हीट हो जाएगा, टायर में प्रेशर कम है तब ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए पहचानने के लिए तो नॉर्मल क्या है और ओवर हीटिंग क्या है, उसके लिए आप अपना हाथ टच करके भी देख सकते हैं। जैसे एक दो सेकंड के लिए हाथ अगर हम टच करते हैं व्हील पर और वो नॉर्मल लगता है, यानी नॉर्मल हीट लगती है, तो वो नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन जैसे हम हाथ टच करते हैं और हाथ टच नहीं किया जाता है, इतनी हीट हो जाता है, तो वो फिर ओवर हीट हो रहा है। तो ये इस तरह से तो हम पहचान सकते हैं। अब किस वजह से है ये कैसे पहचानें, इसके लिए हमें गाड़ी को जैक पर उठाना होता है और फिर व्हील को बारी बारी से चारों व्हील्स को घुमाकर देखना होता है कोई व्हील जाम तो नहीं है। अगर जाम है तो किस वजह से जाम है, व्हील वेयरिंग ख़राब है, वेयरिंग में साउंड है या वेयरिंग में प्ले है वो भी हो सकता है, या हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में कहीं ब्रेकिंग का जो पार्ट है, जैसे ब्रेक शू हो गया, ब्रेक डिस्क ब्रेक हो गया या कैलिपर्स हो गया, कैलिपर जाम हो जाते हैं तब दिक्कत आती है, तो कैलिपर हमें चेंज करना पड़ेगा, या पिस्टन हमारा सही तरह से काम नहीं कर रहा है तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या ये सारी चीज़ें सही होती हैं, कई बार जो हमारा मास्टर सिलेंडर है वो सही से वर्क नहीं करता है तब भी इस तरह की दिक्कत आती है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ व्हील अलाइनमेंट भी चेक करानी पड़ती है और टायर का प्रेशर वगैरह भी चेक कराना पड़ता है, जिससे कहाँ ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारा जो टायर है वो ओवरहीट हो रहा है। तो दोस्तों व्हील ओवरहीट होना या नॉर्मल हीट होने के ये कारण थे जो मैंने आपको बताए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और ऐसी जानकारी
भरी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।